गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप फैंटेस्टिक होंगे। और आज के जो टॉपिक्स हैं, इसलिए नए एसोसिएट के लिए, कोई भी आपकी टीम में नया एसोसिएट ज्वाइन करता है तो उसे हम ये स्टार्टिंग से गाइड कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करे तो उसको पहले हमारे बिजनेस सर्कल बताना है उसे। बिजनेस सर्कल में पहला हमारा कोई भी स्टार्ट करता है तो बनता है हमारा एसोसिएट। तो ये पूरा एक सर्कल है जिससे एक एसोसिएट बनते हैं। कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, कोई भी स्टार्ट करेगा एसोसिएट होगा, तो उसके बाद क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा, लोगों को इन्वाइट करेगा, प्लान शो दिखाएगा, स्टीवी करेगा, फिर फॉलोअप होगा। ये सर्कल है। तो जिसने जिसको आप इसके भी आप नए व्यक्ति की बेसिक कर रहे हैं या पहली बार से गाइड कर रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि आपको भी यही सर्कल पे काम करना है। क्योंकि आपको जिसने बुलाया उसने पहले आपका लिस्ट में नाम डाला था, उसने फिर आपको बुलाया, उसने फिर प्लान दिखाया, फिर आपके फॉलोअप हुआ, आज आप एसोसिएट बन गए, ज्वाइन हो गए। तो ये पूरा सर्कल है। इस तरह ही व्यक्ति कोई स्टार्ट करता है हमारे सिस्टम को। जैसे आपके साथ हुआ ऐसा आपको भी करना है आगे। तो ये पूरा सर्कल है, ये कैसे वर्क करता है आगे मैं आपको क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें आपको दिख रही हैं, ए बी सी डी। ये चार चीज़ें अगर आपने किसी नए एसोसिएट को आप बताते हैं तो वो लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा और कभी डिप्रेस डीमोटिवेट नहीं होगा। तो इसमें पहली चीज़ आती है ए फॉर एक्टिविटीज़। एटीट्यूड में पहली चीज़ आती है एटीट्यूड पॉजिटिव। जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे हम कोई भी काम करने जाएंगे अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो काम कभी सफल नहीं होगा, उस काम में हम कभी कामयाब नहीं होंगे। तो हमेशा अपना एटीट्यूड, अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक हमें नहीं सोचना। दूसरा, ड्रेसअप। हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए और एक्सेप्ट कर सकें लोग ऐसा ड्रेसअप हमें पहनना है। क्योंकि हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं और व्यापार में क्या होता है, इंसान पहले हमको देखता, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे ड्रेसअप को देखता है। और नया इंसान की अचीवमेंट क्या होती है, उसका पहले ड्रेसअप ही होता है। तो एक फॉर्मल ड्रेसअप आपका हो। थर्ड, टाइम मेंटेनेंस। जैसा इस आपको पता है, जब हम ज्वाइन करते हैं तो कोई इंसान जो इसको स्टार्ट करता है, कोई स्टूडेंट होता है, जॉब करने वाला होता है, बिजनेसमैन होता है, तो हर इंसान कोई ना काम पहले से कर रहा होता है, कुछ फुल टाइम भी करते हैं। तो जो भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस के साथ इसे स्टार्ट करा है सिस्टम को, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इस बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से अर्निंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो टाइम देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपको। फोर्थ है रेगुलरिटी। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा हर ट्रेनिंग, काउंसलिंग, प्लान शो में, हमारे हर इवेंट में रेगुलर रहना है, सीखना है। लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो कोई भी ट्रेनिंग, काउंसलिंग अगर आप मिस नहीं करते, आप रेगुलर रहते हैं, तो आप कभी डिप्रेस डीमोटिवेट नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको 100% मिलते रहेंगे जब आप ट्रेनिंग काउंसलिंग में रेगुलर रहेंगे। तो फिफ्थ है नो डिपेंड। आपको डिपेंड नहीं रहना किसी पे भी। आपका जिसने फ्रेंड ने आपको स्टार्ट कराया सिस्टम में, उसने आपको मौका दे दिया, स्टार्ट करा दिया, बट उस पर डिपेंड नहीं रहना। आपको मौका मिल गया, आपको ट्रेनिंग काउंसलिंग में आना है, कोई भी ट्रेनिंग काउंसलिंग मिस नहीं करनी, उसमें अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप डिपेंड नहीं रहना, मतलब कि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं। खुद आपने खुद स्टार्ट कराया तो खुद ट्रेनिंग काउंसलिंग में आना है। फर्स्ट डे से अपने अंदर ये आपको रखना पड़ेगा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर। सिक्स है टूल्स। इस सिस्टम को करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे स्टार्टिंग में। पहला, एक अप्रैल का प्रोस्पेक्टस होना चाहिए आपके पास, प्रोजेक्ट स्मार्ट और एक बैग। ये ए फॉर एक्टिविटीज़ हो गई। हमारा सेकेंड जो है वो बी फॉर बिलीव। इस सिस्टम में विश्वास रखना पड़ेगा, बिलीव आपके पास होना चाहिए। बिलीव पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। जिस इंसान को बिलीव नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता। बिलीव की बात करूँ तो लोग कहते हैं भगवान है, लेकिन मानेंगे तभी भगवान है, नहीं मानो तो भगवान नहीं है। तो बिलीव पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, विश्वास पे। तो विश्वास में पहले ही जाती है बिलीव में गॉड, अपने भगवान पे विश्वास करना है हमें। अगर आपने सिस्टम को स्टार्ट करा है तो आपकी मर्जी नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि हम अगर यहाँ बात भी कर रहे हैं, कुछ भी हम करते हैं लाइफ में, कुछ भी हम अगर आज हम कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो ऊपर वाले की इच्छा, तभी हम कर पा रहे हैं। तो आप बिजनेस में आओ मतलब ऊपर वाला भी चाहता था, तो उसको विश्वास रखना, ऊपर वाले भगवान है, भगवान एक कोई शक्ति है जिसने हमारे सिस्टम को मुझे आने का मौका दिया इसमें। दूसरा, सेल्फ। अपने आप पे विश्वास आपको रखना पड़ेगा कि मैं जिस काम में काम इसमें हूँ, मुझे कामयाब होना है इस सिस्टम से। अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं हो सकता हूँ, मैं होऊंगा यहाँ से कामयाब। थर्ड, सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम में हूँ यहाँ से लोग, लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं, यहाँ से एक अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। कोई घर ले रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहा है, कोई लेवल निकाल रहा है, फॉरेन ट्रिप घूम रहा है, ये सब कुछ हो क्यों पा रहा है, वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ, अपलाइन। इस सिस्टम में
अपलायन पे विश्वास जरूर रखना है बिलीव, क्योंकि जब हम नए होते हैं तो स्कूल में, तो उस तरह जब स्कूल में पहली बार हम नहीं जाते हैं स्कूल कॉलेज या जॉब में कहीं पे भी, तो वहाँ एक साथी अपना ढूंढते हैं हम हमेशा कि मुझे गाइड करे बताए इसके बारे में, उस तरह सिस्टम में भी एक अपलायन आपको, अपलायन भी इस गुरु की तरह ही होता है, एक गुरु का होना जरूरी होता है। अपलायन दो तरह के होते हैं, एक ट्रेनिंग अपलायन होता है, एक डायरेक्ट अपलायन। डायरेक्ट अपलायन जिसने आपको स्टार्ट करवाया, शायद वो नया हो सकता है, इतनी नॉलेज ना हो उसे, उसकी भी रिस्पेक्ट आपको करनी है क्योंकि आपसे पहले उसने स्टार्ट कराया। दूसरा ट्रेनिंग अपलायन, ट्रेनिंग अपलायन का आप हाथ पकड़ लें क्योंकि उसे नॉलेज है, तो ट्रेनिंग अपलायन जो आपके फॉलोअप कर रहा है, प्लान शो कर रहा है, आपको डे बाय डे ग्रोथ आपकी चाहता है, आपको कॉल करता है, तो उसकी बात फॉलो करनी है, उसे विश्वास करना है और अपने आप को समर्पित कर देना है, जैसा बोले वैसा करना है आपको। फिफ्थ है प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स पे विश्वास होना चाहिए आपको, हमारी कंपनी के, चाहे नोनी हो गए, कैल्शियम हो गए, स्पायरल हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सब पे विश्वास, और प्रोडक्ट्स का पहले यूज़ करना है। जैसा आपने एक ऐड सुना होगा घड़ी का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे कर पाएंगे, तो पहले प्रोडक्ट का यूज़ करना है। उसके बाद सी जो हमारा है कमिटमेंट, सी फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब होता है संकल्प लेना कि कमिटमेंट लेता हूँ ये सारे काम मैं करूँगा, तो पहले से सिस्टम को स्टार्ट आपने करा है तो कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। योर ड्रीम्स, अपने सपनों से कमिटमेंट लेनी पड़ेगी कि ये सपने मैंने देखे, इसे मैं यहाँ से पूरा करूँगा 100%। दूसरा योर अपलाइन, अपने अपलाइन को कमिटमेंट करनी कि सर अगर आप मेरे को मुझे टाइम दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, तो मैं एक अच्छा रिजल्ट लेकर आऊँगा और सब कुछ अच्छा यहाँ से करूँगा, अपने सारे सपने पूरे करूँगा। थर्ड योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली को कमिटमेंट करना है, फैमिली के लिए करना है इसको, ये फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। उसके बाद हमारा फोर्थ चीज़ है, वो है डी फॉर ड्रीम्स यानी सपने। इस सिस्टम में हम आते हैं किसके लिए आते हैं, सपने पूरे करने के लिए आते हैं। और जैसा आपको बताया जाता है कि एक इंसान एकमात्र प्राणी जिसके सपने होते हैं, जानवरों को सपना नहीं होता, हम इंसान का रूप मिला और हमारे सपने हैं। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपके कुछ सपने हैं, तो हर इंसान कहता है सर सपने तो सबके होते हैं, बट सपने सबके होते हैं लेकिन पूरा करते बहुत कम लोग हैं। सपने तो काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन पूरा करने की हिम्मत कितने लोगों में होती है, और आप इस सिस्टम में आ गए इसका मतलब आपके अंदर हिम्मत है और आप सपने पूरा करना भी चाहते हैं। तो ड्रीम्स हम कैसे पूरे कर सकते हैं, ड्रीम को थ्री वी हैं यहाँ पे। पहला वी वन विजुलाइज, अपने सपने को क्या करना है, विजुलाइज करना मतलब सोचना है कि जब भी आप सोने जा रहे हो सपने के बारे में सोचो, या फिर आप जा रहे हो कहीं घूम रहे हो, बगल से कोई आपका सपना जैसे कार हो, बाइक हो, अगर जा रही हो, किसी के हाथ में सपना आपने देखा, मोबाइल हो, कुछ भी, उसको सोचना है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद वी टू है वर्बलाइज, सपने के बारे में लोगों को बताना है कि मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, लोगों को बताना है क्यों है, ताकि लोग आपसे दोबारा पूछें, और जब हमसे पूछेंगे तो हम उसके लिए हम मोटिवेट होंगे, काम करेंगे। थर्ड वर्टलाइज, वर्टलाइज मतलब एक्शन करना है उस पर। अब आपने सोचना शुरू कर दिया सपनों के बारे में, बताना शुरू कर दिया, अब एक्शन प्लान करना है, प्लानिंग करनी है उसकी, कैसे कैसे करना है उसको, उसके फिर उस पर एक्शन करना है, काम करना है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी, ये नए व्यक्ति अगर आप बताएंगे तो वो मोटिवेट होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, काम अच्छा हमारे यहाँ से करेगा स्टार्टिंग से, अगर आप समझा देंगे सब कुछ। और आगे इनकम पार्ट क्या है जानते हैं। तो फ्रेंड जैसे मैं बता रहा था इनकम पार्ट की बात करूँ, कोई भी नया व्यक्ति आता है तो जब प्लान शो समझता है तो ज़्यादा उसे समझ में नहीं आता, तो स्टार्ट कर लेता है लेकिन प्लान क्लियर नहीं होता, काम कैसे करना है, क्या करना है, वो आप इस तरह से आप बता सकते हो उसको कि हमारे यहाँ जो इनकम आती है वो स्टेप्स पे इनकम आती है, जितने आप स्टेप निकालते हैं उस हिसाब से आपका लेवल होता है, उस हिसाब से आपका बोनस आता है, उस हिसाब से आपके चेक्स आते हैं और आपकी टीम ग्रोथ होती है। तो स्टेप्स कैसे होते हैं, जो हमारा पहला स्टेप होता है वो 9 लोगों पे होता है, जब आपकी टीम में 9 लोग हो जाएंगे 1:2 रेशो के हिसाब से, तो आपका एक स्टेप हो जाता है, यानी 9 लोग आपकी टीम में होते हैं तो एक स्टेप काउंट होता है लेवल्स में और बोनस में। तो एक स्टेप, पहला जो स्टेप है कंपनी ने वो तीन पार्ट में कर दिया है। पहला जो स्टेप हमारा है, जब आपकी टीम में 3 लोग होते हैं 1:2 रेशो पे, तो पहला चेक आता है 1600 का। दूसरा जब 1:2 से फिर 3 लोग होते हैं, यानी 6 लोगों की टीम जाती है, 1600 का आता है, फिर 3 लोगों की टीम होती है, फिर 1600 का आता है, यानी एक स्टेप 4700 रुपये का कंपनी, 4800 का कंपनी जो चेक देती है, वो पहले स्टेप को 3 भागों में डिवाइड कर देती है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमारा बनेगा वो बनेगा 4700 रुपये का, थर्ड 4700 और फिर 4700 फिर 4700, इसमें 100 रुपये प्रोफेशन चार्ज कट जाता है और बाकी टैक्स भी कटेगा, ये कंपनी एक लिमिटेड है, टैक्स काटेगी। और पैन कार्ड होना कंपलसरी है, पैन कार्ड नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड होगा तो टैक्स तो कटेगा,
और पैन कार्ड नहीं होगा तो ज़्यादा टैक्स डबल कटेगा। और जैसा आपको पता है कि टैक्स देना पड़ता है किसी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं हम, क्योंकि एक बिजनेस कर रहे हैं हम और बिजनेस करने वाला टैक्स। फ्रेंड्स, पैन कार्ड नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड बनाना कोई हार्ड काम नहीं, ईजी काम है ऑनलाइन। और ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो इसे इम्प्लीमेंट करें और नोट्स बनाएं अपने, और हम इस बीच में बहुत कुछ सीख सकते हैं जब हमारे पास इतना टाइम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और जो पार्ट है मैं आगे बनाऊंगा उसमें वीडियोस में, तो आप उसके नोटिफिकेशन आपको आ सकें। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप मिस ना करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, सलमान मिर्ज़ा साइनिंग ऑफ। बाय।